गाइज, आपके मोबाइल में यूपीआई आईडी है तो आप लोग हजारों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ देख लीजिए, मैंने करीब 1,055 रुपए कमाए हैं और यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एक अकाउंट मेरा है और एक मेरी सिस्टर का है, दो अकाउंट से मैंने 1,055 रुपए अर्न किए हैं। ये एकदम रियल है, कहीं कोई एडिट वगैरह फेक वगैरह कुछ भी नहीं है। दो अकाउंट से मैंने 1,055 रुपये कैश बैक कमाए हैं और ये पैसे आप लोग भी कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको 6 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप UPI ID से हजारों रुपए कमा सकते हैं, एक दिन के 100 रुपये भी कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रूफ देख लिया तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप लोग आसानी से UPI ID से हजारों रुपये कमा सकते हैं जिससे आप लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज आसानी से निकाल पाएंगे। तो गाइस, पहला स्टेप जो है वो है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है अमेजोन पे या गूगल पे। ये दो ऐप ऐसे हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक मिलता है। मुझे जहाँ तक पता है कि गूगल पे पर ज़्यादा कैशबैक मिलता है और अमेजोन पे पर भी मतलब अच्छा खासा कैशबैक मिलता है। तो इन दोनों में से आपको जो वाला एप्लीकेशन अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन UPI ID एक ही होता है, उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐप आप डाउनलोड कीजिए, UPI ID एक ही रहेगा। मैं तो अमेजोन पे यूज़ करता हूँ, तो जैसे ही आप अमेजोन पे डाउनलोड करेंगे, किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे या मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो आपको लगभग 50 या 100 रुपये शुरू में ही मिल जाएंगे पहले ही दिन। ये चांसेस हैं, 99% इसके चांसेस हैं। मैंने भी जब UPI ID डाउनलोड किया था अपने दोनों मोबाइल में, एक मोबाइल में नहीं, मैंने दो दो तीन तीन मोबाइल में ट्राई करके देखा है, तो मुझे तुरंत 100 रुपये 50 रुपये कैशबैक मिल जाते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका। अब एक ही बार के कैशबैक से तो हमेशा चलेगा नहीं, लेकिन कुछ और भी तरीके मैं बताऊंगा जिससे आप हमेशा कमाई करते रहेंगे। तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है। अगर मान लीजिए किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना है आपको या किसी का मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो आप उसे कह दीजिए लाइए मैं कर देता हूँ। इसमें आपका फ़ायदा है, पहली बात आप उससे थोड़ा बहुत चार्ज ले सकते हैं 1-2 रुपये, और जब आप अपने UPI ID से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कूपन मिलता है। अमेजोन पे पर तो मुझे बहुत ज़्यादा कूपन मिलता है। एक कूपन मिलेगा, आपको उसे स्क्रैच करना होगा। जब आप उसे स्क्रैच करेंगे उसमें हो सकता है कि कोई ऑफ़र हो या फिर आपको डायरेक्ट कैशबैक मिल सकता है। उसमें लिखा रहेगा कि आप किसी को अपने UPI ID से पैसे भेजिए तो आपको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये इस तरह से मतलब मिलेंगे। जब आप उसे स्क्रैच कर लेंगे फिर वहाँ पर आएगा कलेक्ट नाउ, तो उसे आपको कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और किसी को भी, अपने दोस्त या रैंडम किसी को भी जो आपके फैमिली में हो, उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देना है अपने UPI ID से। जब आप उसे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो तुरंत आपको 10 या 20 रुपये पैसे मिल जाएंगे। अब आपने जिसे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसे फिर से वापस ले लीजिए पैसे। अब जब वो आपको पैसे वापस ट्रांसफ़र करेगा तो हो सके उससे भी कैशबैक का कूपन मिले और वो भी पैसे कमा सकता है। इस तरह से अगर दो मोबाइल है तो आप लोग आपस में पैसे ट्रांसफ़र करके पैसे कमा सकते हैं, मतलब पैसा भी वेस्ट नहीं जाएगा और आपके पास कैशबैक भी आ जाएगा। ऐसे करके मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और मेरे फ्रेंड ने भी करीब 1,000-1,500 के करीब कमाए हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, अगर आप अपने UPI ID से हमेशा पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते रहते हैं तो आप अपने वॉलेट में पैसे ऐड कर लीजिए। इससे आपको थोड़ा कैशबैक मिलेगा, 100-200 का कैशबैक भी मिल सकता है, 500 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है, तो इससे थोड़ा आपको और पैसे मिल जाएंगे। ओके, देखिए इतने ही पैसे में आप आराम से अपना 1-2 महीने का मोबाइल रिचार्ज चला सकते हैं। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से मोबाइल रिचार्ज के पैसे नहीं मांगना चाहते हैं तो आप लोग केवल अपने UPI ID के दम पर ही इतने पैसे जुटा सकते हैं कि 1-2 महीने का रिचार्ज आप लोग करा सकें। गाइस, चौथा जो तरीका है इसमें भी आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। जब आप किसी का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसमें आपको 1 रुपया तो फ़ायदा मिलता ही है। जैसे 299 का रिचार्ज होगा, 169 का रिचार्ज होगा, तो इसमें आपको 1 रुपया तो मिल जाएंगे। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज करने पर क्या पता आपको कैशबैक या कूपन भी मिल सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कितने सारे मोबाइल रिचार्ज करूँगा, तो मैं बता दूँ मैंने क्या किया। सबसे अच्छा आइडिया आपको पैसे कमाने का मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है अपने पूरे मोहल्ले भर में ये बात फैला देनी है कि मेरे यहाँ पर रिचार्ज होता है। मैंने ऐसे करके अपने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि भाई किसी को भी रिचार्ज कराना हो तो मेरे पास आए। अरे भाई डेली मेरे पास 2-4-5 लोग आते थे कि भाई मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो। अब दिन भर में 4-5 लोग आ रहे हैं तो आपको 1-2 रुपये तो मिलते रहेंगे। उसके बाद आपको क्या पता कैशबैक भी मिल जाए। मैंने कई बार रिचार्ज किया है तो मुझे 40-40-50-50 रुपये कैशबैक मिले हैं। तो आप अगर दिन भर में 5-10 रिचार्ज कर रहे हैं तो अमेजोन वाला या गूगल पे वाला भी खुश रहेगा और वो आपको थोड़े थोड़े कैशबैक भी देता रहेगा। तो इससे आप डेली कमाई भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई साइबर कैफ़े है, जैसे छोटा सा कंप्यूटर वाला दुकान या मोबाइल सिम रिचार्ज का दुकान है,
छोटा सा अगर आपका दुकान है तो और भी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं। ये तरीका आप यूज कीजिए गाइस, डेली आपको देखिएगा बहुत सारे लोग आएंगे आपसे रिचार्ज कराने के लिए, इस तरह से मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिजली का बिल अगर ड्यू डेट से पहले जमा कोई करवाता है, जैसे मान लीजिए कल का लास्ट डेट है, कोई आज बिजली का बिल जमा करवा रहा है, तो आप 5 या 10 रुपए तक के छूट उस पर आते हैं। तो अगर आप किसी का बिजली का बिल ड्यू डेट से पहले जमा करते हैं तो उस पर आपको 4-5 रुपए तो वैसे ही छूट मिल जाएंगे। फिर उससे आप लोग चार्ज भी ले सकते हैं कि भाई मुझे 5 रुपए दो, मैं तुम्हारा बिजली का बिल रिचार्ज कर रहा हूँ, तुम्हें लाइन नहीं लगानी पड़ेगी घंटों घंटों। ऐसे मतलब आप पूरे मोहल्ले में फैला दीजिए कि यहाँ पर बिजली का बिल रिचार्ज होता है, मोबाइल बिल रिचार्ज होता है। देखिए लोग आपके पास खुद ही आएंगे और उसमें से आप लोग बिल भी मतलब निकाल कर उन्हें दे सकते हैं, बिल भी उसमें मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इस तरीके से भी मैंने कमाया है। पांचवा तरीका ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो मतलब पैसा जमा करना चाहता है अपने बैंक अकाउंट में, बार बार पैसा निकालता है जमा करता है, तो आप उसे कह दीजिए मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए और मैं अपना कैश जमा कर लूँगा, आप मुझे बस 5 या 10 रुपये चार्ज दे दीजिए। छठा तरीका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आप जब दिन भर पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहेंगे, रिचार्ज करते रहेंगे, तो आपको दिन भर में जाहिर सी बात है 2-4 कूपन तो मिलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कैशबैक के ही कूपन मिलते रहेंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा रिचार्ज करेंगे या पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कभी कभी आपको 100-200 रुपये भी कैशबैक मिल सकते हैं। ना 100-200 मिले, 50 रुपये तो ईजिली मिल जाएंगे। और अगर आप लोग अमेजोन पे से पैसे ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं तो आपको उस पर कपड़े खरीदने पर ऑफ़र मिलेगा, मोबाइल खरीदने पर और ग्रॉसरी खरीदने पर, मतलब छोटे छोटे सामान पर ऑफ़र मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप कह सकते हैं लाइए मैं ऑर्डर कर दूँ। अब जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उस पर जो छूट मिलेगा वो आप रख लीजिए, बाकी प्रोडक्ट का जो रियल प्राइस है आप उससे वसूल कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही ऐप पर बार बार कैशबैक मिलेगा, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एक अमेजोन पे का अकाउंट बना सकते हैं और एक गूगल पे का अकाउंट बना सकते हैं और एक कोई और अकाउंट बना सकते हैं जिसमें कैशबैक मिले। इस तरह से आप चाहें तो एक छोटा सा अपना साइबर कैफ़े वगैरह खोल सकते हैं। नहीं अगर खोल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस लोगों को बता दीजिए कि हमारे यहाँ वैसे सारा काम होता है, अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल है तो उससे आप लोग बिल भी जमा कर दीजिए, किसी के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो चार्ज ले लीजिए, मोबाइल रिचार्ज करना है तो चार्ज ले लीजिए, बिजली का बिल जमा करना है तो उसमें कैशबैक मिल जाएगा और उससे चार्ज ले सकते हैं, वॉलेट में पैसे ऐड करके आप चार्ज ले सकते हैं, उसके बाद मनी ट्रांसफ़र करके आपको कूपन मिलेगा उसमें भी पैसे ले सकते हैं, उसके बाद जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तब भी आपको कैशबैक मिल जाता है। तो इस तरह से आप महीने में कम से कम, अगर आप डेली इस तरह से एक्टिवली काम करते रहेंगे ना UPI ID पर, तो डेली आप अपने मोबाइल का रिचार्ज निकाल लेंगे आराम से, आपको ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह का ये पहला वीडियो है YouTube पर कि UPI ID से पैसा कैसे कमाएं। अगर आप लोग इसी तरह के यूनिक टाइप की वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।